दोस्तों मेरे हाथ में है ये एक टी शर्ट का डब्बा। एक्चुअल में ये टी शर्ट का डब्बा नहीं है, लेकिन देखने में तो टी शर्ट का डब्बा ही लगता है। ये है एक नोटबुक, एक छोटा सा मिनी लैपटॉप। और इस आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस असूस लैपटॉप का, जिसका प्राइस काफ़ी कम है। और अगर आपका बजट काफ़ी कम है तो आपके लिए एक बहुत 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 अच्छा लैपटॉप हो सकता है। तो फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं कि इसमें क्या कुछ मिलता है, क्या प्रोसेसर है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैसे काम करता है, सारी बातें डिटेल बात हम लोग इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों तो हम बॉक्स की बात कर रहे थे, बहुत छोटा साइज का, बहुत कॉम्पैक्ट ये बॉक्स है, असूस ब्रांड का एक मिनी लैपटॉप है। प्रोसेसर की बात कर ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटेल इनसाइड यानी इंटेल का प्रोसेसर है। क्योंकि जितने भी छोटे लैपटॉप्स होते हैं उसमें एटम प्रोसेसर ज़्यादातर में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे मिला है इंटेल का प्रोसेसर, इसलिए मैंने इसको मंगवाया है। अब यहाँ पे दोस्तों जो बॉक्स के पीछे प्राइस लिखी हुई है 16,990 और अभी अमेजोन पे ये 16,400 के लगभग में ये अवेलेबल है। हालांकि अमेजोन के वेबसाइट पे 17,400 समथिंग इसका प्राइस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे जो MRP लिखी है वो 16,990 है। इसके बाद ये मई 2017 का पैकिंग है वगैरह वगैरह। तो फटाफट इसको हम खोलते हैं और दिखाते हैं कि अंदर में क्या कुछ है। देखिए बॉक्स ओपन हो गया है और सबसे पहले मुझे मिला है ये चार्जर। बेसिकली मैंने अभी थोड़ा देर पहले इसको ओपन किया था और इसको देखा था कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे असूस का एक पावरफुल चार्जर है। इस चार्जर की हम पावर की बात कर ले तो यहाँ पे 19 वोल्ट का है रेटिंग और 1.75 एम्पीयर का इसमें आउटपुट करंट है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो एक छोटा सा पावर अडैप्टर है, मुझे याद है यार मेरा जो लैपटॉप है पुराना वाला उसमें काफ़ी बड़ा बड़ा चार्जर हुआ करता था। और हम पावर का इसमें कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे 2-पिन सॉकेट जो दिया हुआ है, हमारा पुराना वाला जो ट्रेडिशनल है ये वही दिया है। इसको कुछ इस ढंग से सॉकेट में फिट करना होगा और ये आपका पावर है, सिंपल पावर के जैसा होगा, कहीं भी इसको आप लगा के प्लग इन पे लगा के काम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रखता हूँ साइड में। इसके बाद जो मुझे कंटेंट मिल रहे हैं ये एक मेरा मिनी लैपटॉप, प्यारा लैपटॉप, तो फिलहाल मैं इसको भी रखता हूँ साइड में। इसके बाद जो बॉक्स में मुझे मिले हैं ये एक CD ड्राइवर, तो ड्राइवर इंस्टॉल करना, चूँकि ये DOS बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ विंडोज़ 7 आपको नहीं मिलता है, इसमें DOS मिलता है या फिर विंडोज़ 10 भी नहीं है। तो DOS को फॉर्मेट करके ये 7 वगैरह इंस्टॉल आप करेंगे या फिर विंडोज़ 10 इंस्टॉल करेंगे तो आपको ड्राइवर का काम पड़ेगा, चूँकि आज के डेट में DOS पे कौन काम करता है। यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड, तो कैसे आपको इंस्टॉल करना है आप देख लीजिए। पावर यहाँ पे केबल के थ्रू कनेक्ट करना है, ऐसे ओपन करना है, ये बच्चों वाली बात, ये तो कोई पड़ता नहीं है। इसके बाद ये आपका CD का इंस्टॉलेशन कैसे करना है, सारे सॉफ्टवेयर का डिटेल वो दिया हुआ है। इसके बाद है आपका सेटअप कैसे क्या है, आपका LCD कहाँ, माइक कहाँ है, मॉनिटर कहाँ है, कैसे चार्जिंग करेंगे, तो सारा इन्फॉर्मेशन जो है इसमें दिया हुआ है। ये सब तो हो गई बेकार की बातें, जो काम की बातें हैं वो अंदर है। टन टन टन, चलिए इसको फिलहाल मैं निकालता हूँ साइड में। देख लीजिए लुक्स, देख लीजिए काफ़ी प्यारा लुक्स है। 11.6 इंच का ओनली डिस्प्ले है। एक्चुअल में ये लैपटॉप मेरा फ्रेंड मंगवाया है, मेरा लैपटॉप नहीं है, तो मैं सोचा यार मुझे दे दो यार, मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ, इतना प्यारा लुक है। आगे में आपको यहाँ पे चार्जिंग के लिए इंडिकेटर दिया हुआ है, इसके बाद आपका हार्ड डिस्क लोड होगा उसका इंडिकेटर है, उसके बाद आपका यहाँ पे लॉक का इंडिकेटर है, तो तीन तरह के इंडिकेटर दिए हैं। दोस्तों राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे 3.5 mm का एक जैक मिलता है, इसके बाद USB 2.0, USB 3.0 मिलता है। इसके बाद हम पीछे साइड में कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। और इसके हम लेफ्ट साइड में बात करें, आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलता है पावर अडैप्टर का पॉइंट। यार आप देख लीजिए इसका अडैप्टर का जो पॉइंट है वो किस तरह से है। ये नॉर्मल आपका जो फ़ोन का जो चार्जर का केबल होता है ना, ठीक उसी तरह है, लेकिन आपके चार्जर से ये बूट नहीं होगा क्योंकि ये 19 वोल्ट का पावरफुल एक चार्जर एक अडैप्टर है। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट वैसे दिया, मेरा डेल का जो है वो काफ़ी मोटा है, लेकिन ये यहाँ पे काफ़ी चार्जर के जैसा ही आपका है। इसके बाद आपको मिलता है एक मिनी HDMI पोर्ट का यहाँ पे केबल मिलता है, इसके बाद USB टाइप सी जो केबल है वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। SD कार्ड का भी यहाँ पे स्लॉट मिलता है, यानी जो DSLR की SD कार्ड यहाँ पे माउंट नहीं कर सकते, लेकिन फोन वाली जो है वो SD कार्ड यहाँ पे माउंट कर सकते हैं। तो फटाफट इसको हम ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि इसका लुक्स कैसा है। ये देख लीजिए लुक्स वाइज देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। फिलहाल मैं इसको रखता हूँ साइड में। मेरा इसमें सॉफ्ट बॉक्स और कैमरा का भी लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है वो आपको दिख रहा होगा, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है। अंदर की हम बात कर ले तो यहाँ पे इंटेल इनसाइड इंटेल की जो बोर्ड लगी है वो लिखा हुआ है। उसके बाद लॉन्ग बैटरी लाइफ, यार बैटरी लाइफ छोटे वाली लैपटॉप की काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसका डिस्प्ले साइज होता है ना काफ़ी छोटा होता है, तो बैटरी लाइफ जो है वो ज़बरदस्त मिलती है। इसके बाद USB टाइप सी का जो सपोर्ट मिलता है वो पॉइंट है, और ट्रू लाइट और वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा वेबकैम, एक माइक है, स्पीकर्स तो अंदर में दिए होंगे, शायद पीछे में दिए होंगे, और स्पीकर यहाँ पे दिए हुए हैं, दो स्पीकर अलग अलग आपको दिए हुए हैं। बैटरी यार नॉन रिमूवेबल बैटरी है, बैटरी खोलने का मुझे ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। खैर कोई बात नहीं है, इसमें CD राइटर या फिर DVD राइटर रीडर का सपोर्ट इसमें तो नहीं दिया हुआ, यानी इसमें अलग से आपको लगा के यूज़ करना पड़ेगा, बेस्ट होगा आजकल पेन ड्राइव यूज़ कीजिए, कौन सा DVD CD आजकल यूज़ करते हैं। हालांकि मज़े की बात एक चीज़ ये है कि यार इसमें CD दिया हुआ ड्राइवर के लिए, लेकिन इसमें CD ड्राइव नहीं दिया हुआ। छोटे वाली मिनी लैपटॉप जितने भी होते हैं ना बॉस, उसमें आपको CD ड्राइव
ऑप्शन जनरली आपको नहीं मिलता है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ और दिखाता हूँ इसके फंक्शन। चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ यार, फंक्शन क्या देखेंगे। ऑन मतलब होने के बाद तो फंक्शन तो वही होते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वही ये काम करेगा। देख लीजिए असूस ब्रांड का ये मदरबोर्ड वगैरह लगा वो आपको दिख रहा है। मैंने इसको फॉर्मेट कर लिया है, इसमें इंस्टॉल कर दिया है विंडोज़ 10। बड़ी आसानी से इसमें विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे विंडोज़ 10 यहाँ पे ओपन हो रहा है। एक छोटा सा पेन ड्राइव से इसमें लगा के बस आधे घंटे के अंदर मैं इंस्टॉल कर लिया। डॉस आज के डेट में किसको आता चलाने यार, बहुत कम लोग हैं जो कमांड जानते हैं। मेरा फ्रेंड भी हो वो तो और नहीं जानता है। तो मैंने बोला विंडोज़ 10 डलवा लो, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा और मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग सिस्टम का 4-5 हज़ार रुपये देने की ज़रूरत नहीं है इससे। अगर काम चल जाता है तो इसी से आप काम चला लीजिए। ये बेसिकली जो डिवाइस है बहुत पावरफुल नहीं है, अगर 6-7 घंटा काम करना है तो ये डिवाइस जो आपके लिए सफिशियंट होगा। लेकिन आप 16 घंटा 18 घंटा 15 घंटा काम करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये डिवाइस आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आप एक स्टूडेंट है, पढ़ाई के पर्पज़ से लेना चाहते हैं, बजट कम है, तो ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट लैपटॉप हो सकता है। क्योंकि अगर आप 50,000-40,000 के लैपटॉप के लेंगे तो यार काम तो वो भी करता है लेकिन उतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बजट लो है तो आपका काम इससे भी आपका चल जाता है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि इसमें आप सभी वो काम कर सकते हैं जो कि एक बीटेक स्टूडेंट तक के किए जाते हैं। हाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, बड़े बड़े ग्राफिक्स वाले प्रोग्राम होते हैं वो इसमें नहीं चलते हैं, लेकिन जो नॉर्मल काम होता है वो इसमें सारा का सारा चल जाता है। अभी शायद वो विंडोज़ अपडेट में लग गया था, मैंने नेट से कनेक्टिविटी किया था इसलिए वो अपडेट ले रहा है। खैर कोई बात नहीं, ये लैपटॉप आप अगर आपका लो बजट है, दुकान है, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, आप काम करते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए, इसका साइज देखिए ना काफी छोटा है, इतना लाइट वेट है, 1.25 केजी का है। आप इसको कहीं भी उठाकर लेके पटक दीजिए यार, कहीं भी ले जाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है। असूस ब्रांड है, ब्रांड तो बहुत अच्छा नहीं यार, मुझे असूस का प्रोडक्ट रियली में लैपटॉप मुझे बहुत पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना छोटा में इंटेल प्रोसेसर बहुत कम देखने को मिलता है तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है। दोस्तों तो यही है एक छोटा सा लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियोज़ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसको शेयर कीजिएगा। अगर इस लैपटॉप को बाय करना चाहते हैं तो बाइंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे रहा हूँ, एक बार जाकर चेक कर लीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।